नमस्कार, स्वागत है दैनिक भास्कर में आपका। मैं आपके साथ रुद्रपुर से भास्कर पोखरियाल। खास बात यह है कि पिछले लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलित है और यह आंदोलन दिनों दिन अब जो है तमाम जगह देश के कोने कोनों में चला गया है। ऐसे में ही यही है कि तराई से भी किसानों का इस आंदोलन को ज़बरदस्त गति मिल रही है और यहाँ से भी हजारों की संख्या में किसान, जहाँ भी किसानों की सभाएँ और रैलियाँ हो रही है वहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। इसी मामले में जो है रुद्रपुर के उधम सिंह नगर से भारतीय किसान यूनियन चडूनी के जिला अध्यक्ष साहब सिंह सेको ने भी अभी विगत दिवस मुजफ्फरनगर में जाकर के उस रैली में ज़बरदस्त तरीके से वहां दहाड़ लगाई और केंद्र सरकार को ज़बरदस्त तरीके से कोसा भी। उनका साफ कहना था कि किसानों के या जो भीड़ है या जो जन सैलाब है या कोई रुपये पैसे से लाया हुआ नहीं है या उनकी अपनी आवाज़ है और वो खुद जो के खेतों में रहते थे वो खुद आकर के इस महासभा और महारैलियों में शामिल हो रहे हैं और अपने हकों के लिए अब वह पूरी तरह से सड़कों पर उतर आए हैं। आइए देखते हैं एक झलक इसमें क्या कहना है साहब सिंह सेको का। नमस्कार दोस्तों, आज मुजफ्फरनगर की इस महापंचायत में इतना जनसैलाब उमड़ा है, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये कोई किराए पे आई हुई भीड़ नहीं है, ये किसान है और इस किसान की भीड़ को देखते हुए आज रात सरकार के नुमाइंदों को नींद नहीं आएगी। ये फसल और नस्ल बचाने की जो लड़ाई है इसमें और आगे जब भी संयुक्त किसान मोर्चे के कोई भी कॉल होगी इसमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा।